नमस्कार। और अभी अपने साथ में श्रीमान सन्नी भारद्वाज जी हैं, मात्र 28 साल उम्र है और यह लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। इनको सीवियर डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम थी कमर में और यह एक साइड में टिल्ट मतलब टेढ़े हो गए थे, भयंकर टेढ़े हो गए थे जब पहले दिन आए थे। और इनको साथ में पेट की पीड़ा थी और उन सब बीमारियों को ठीक होने के बाद में अब यह न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको लगा कि जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो मुझे यह अच्छी चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बेहतरीन व्यक्ति हैं और आज आप देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी, कैसे प्रॉब्लम थी और कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सॉल्व तो हर व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो पॉजिटिव होता है और जो खुश, जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी प्रॉब्लम बचती नहीं है, वो ठीक होता ही है, क्योंकि भगवान भी उसका साथ देता है, क्योंकि वो अच्छा है और दूसरों का भला सोचता है और वह पॉजिटिव है। और अगर आपको बोल रहा हूँ नेगेटिव हैं तो आप ज़िंदगी में ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपके सेल के 100वें हिस्से में भी नेगेटिविटी भरी हुई है तो आप ज़िंदगी में ठीक नहीं होंगे। नेगेटिविटी तो त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि यह जीवन है, यह जीवन है। आप बीमार भी होंगे तो आप स्वस्थ भी होंगे, आपके साथ बुरा भी होगा तो आपके साथ अच्छा भी होगा। आप किसी के पास जा रहे हैं तो नेगेटिव होकर नहीं जाएंगे, पॉजिटिव होकर जाएंगे और ठीक होकर आएंगे। और आप यह नहीं बोलेंगे कि सर आज मुझे 2 दिन हो गए मैं ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं ठीक करने की। आप हमारे हिसाब से चलोगे, हमारे हिसाब से हमारे रिक्वेस्ट लोगे और हम जब तक कहेंगे आप आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको 2 साल बुलाएं, लेकिन आप ठीक हो जाओगे। इनकी आज 17वीं सेटिंग है, 17वीं आज इनकी 17वीं सेटिंग है और ये आपको बताएंगे कैसे हैं और आपको बताएंगे कि क्लास लेते हैं तब कैसे रहते हैं और क्या प्रॉब्लम थी इनकी और ये कैसे स्टूडेंट्स बने। जी सनी जी भाई सर बोलिए। मुझे 2005 में मुझे स्कूल में कबड्डी खेलते हुए इंजरी हुई थी, तो उस टाइम पे उस चीज़ को इग्नोर कर दिया मैंने, तो आज 29 साल की मेरी उम्र हो गई है। तो मुझे वो चीज़ जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा देने लगी थी, जैसे जैसे शरीर बढ़ गया, वजन बढ़ गया, उससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। और बैक इंजरी के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, टेंशन लेने लग गया, क्योंकि मैंने लुधियाना में कई डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी मुझे, मेरी स्पाइनल इंजरी थी, वो पकड़ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसके साथ साथ फिर मुझे स्ट्रेस के साथ साथ पेट की बीमारियां भी शुरू हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति एंटी डिप्रेशन या एलोपैथिक मेडिसिन खाता है वो निश्चित है उसको पेट की प्रॉब्लम होनी ही है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे राम अवतार सर का कई वीडियोस देखी और उसके बाद मैंने इनके पास आया और इन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी राम अवतार शर्मा सर की वजह से। और सर ने एक बात बोली कि आप पॉजिटिव रहिए, और ये बहुत सही बात है कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो डॉक्टर थेरेपिस्ट आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उस पर विश्वास करके चलिए, उनके अकॉर्डिंग चलिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने कैसे सोचा कि मुझे न्यूरोथेरेपी सीखनी चाहिए, मन में क्या आया? मैं जब यहाँ से ठीक हुआ तो मैंने देखा कि बिना किसी मेडिसिन के और कुछ दिनों के अंदर ही मैं अपनी जो मेरी कई सालों की पुरानी प्रॉब्लम थी उससे ठीक हो गया। तो उससे मेरा फिर इंटरेस्ट जागा कि एक बहुत ही नेक काम सर एक कर रहे हैं, और मेरा भी ये सोच वैसी ही बन गई सर के साथ मिलके। तो फिर मैंने ये सर से भी पूछा कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, और सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड भी किया और आज मैं इसके साथ सीख भी रहा हूँ। और मेरी कामना भी है कि सर जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहें और मैं भी इनके साथ इस काम में शामिल हूँ। तो सनी जी बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं और आपको पता नहीं है, अभी हंस नहीं रहे लेकिन उनके माउथ पे हर समय हंसी बनी रहती है। बहुत जानदार व्यक्ति हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, व्यवहारिक,
और आपको लग गया बहुत अच्छे व्यक्ति में मिला है। जब ये ठीक हुए, इन्होंने न्यूरोथेरेपी, अभी इनका एक महीना निकला है इसमें न्यूरोथेरेपी के कोर्स में, बस शानदार व्यक्ति हैं, अभी 100% ठीक हैं, एकदम फिट, कहीं कोई बीमारी नहीं है। आपको भी अगर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, साइटिका पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, पांचों में से कोई भी प्रकार का पेन है, तो आप तत्काल हमारे पास आ जाइए। सोचिए मत, पैसिव वेस्ट मत कीजिए, दुनिया में आप आ जाइए, क्या पता आपका समय अच्छा आ गया और आप ठीक होने वाले हैं। इसी के साथ फिर हम आपको बोलते हैं कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। यह तीन शब्द आपके साथ रहने ही चाहिए, आपकी लाइफ में तीनों ही चीज़ रहनी चाहिए, आप स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।